तो अभी बज गए हैं सुबह के 8 और हमारी ट्रेन है 9 बजे और हम थोड़ा सा जल्दी तैयार हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपना अपार्टमेंट शो करती हूँ जो हम लोग यहाँ पे 1-2 दिन के लिए रेंट किया हुआ था इंसब्रुक में। काफ़ी अच्छा है, 1 BHK। हम अभी गार्बेज फेंक के आ रहे हैं तो बस रास्ते में जा रहे हैं। आप देख सकते हो ये कितना अच्छा सा बना रखा है इन्होंने, यहाँ से बस 2 कदम दूर है हमारा अपार्टमेंट। तो चलो बारिश होती है, साथ में कीज वगैरह दे। हमने अपना सारा सामान पैक कर लिया है क्योंकि बस निकलने ही वाले हैं। और इसके राइट साइड में है वॉशरूम, यहाँ पे बाथटब दे रखा है, काफी बड़ा है जो कि काफी अच्छा है। अच्छा तो हमें वॉशिंग मशीन भी दे रखी है जो कि फुली ऑटोमेटिक है, और उसको धोने के लिए ये भी दे रखा है जो डिटर्जेंट इसमें यूज होता है। तो यहाँ से सीधा जाती है बेडरूम जो कि इसमें काफ़ी बड़ा बेड है, और ये ऊपर की लाइट देखो कितनी फैंसी है, और इसमें भी काफ़ी बड़ी बड़ी कबर्ड्स दे रखी है। और अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये होटल नहीं है, ये अपार्टमेंट है, तो उन्होंने सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि अगर आपको पिलोज चाहिए तो इसमें पड़े हुए हैं, शीट्स या टॉवल्स चाहिए तो इसमें पड़े हुए हैं, और जो कि एक आधा नहीं है, पूरी कबर्ड भर रखी है। के साथ साथ टीवी भी दे रखा है, टीवी में कौन सा चैनल कहाँ आता है उसके इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं। और इसके यहाँ पे ये इतनी बड़ी विंडो भी है जो कि दोनों साइड से खुल जाती है, ऐसे करके भी आपको थोड़ा सा वैसे करके भी खोलना है तो ये देखो ऐसे लग रहा है ना विंडो टूट गई, बट नहीं ये ऐसे खुलती है, नीचे करते हैं। तो अब चलते हैं आके फैंसी पार्ट पे जो है लिविंग रूम। ये लिविंग रूम, इसमें इतने बड़े बड़े सोफा हैं 2 वो भी, और इसके पास इतनी अच्छी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग दे रखी है, और यहाँ पे हमें कैंडल्स भी दे रखी है उन्होंने जो कि हमने चलाई नहीं है बट गुड टू हैव। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने वर्ल्ड मैप लगा रखा है, और शायद इन्होंने फोटोज डाल रखे हैं कुछ कुछ लोकेशन से कनेक्ट करके, मे बी आई थिंक इनकी खुद की पर्सनल फोटोज है, मे बी ये लोग यहाँ गए होंगे तो वहाँ वहाँ का कनेक्ट कर गए। हम लोग को भी बहुत शौक है ये ऐसा मैप लेने का, और तो हमें मिला नहीं है तो मे बी जल्दी खरीदेंगे हम, और जब वेकेशन पे जाएंगे तो वैसा लगाएंगे। और मैंने आपको कैंडल सिखाई थी ना, आपको लग रहा होगा एक दिन रह रहे हो तो खत्म हो जाएंगी फिर क्या करेंगे, बट ये देखो इसमें एक्स्ट्रा कैंडल्स भी दे रखी है उन्होंने इतनी सारी, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये कितना अच्छा सा प्रिटी सा कैबिनेट टाइप बना रखा है उन्होंने, इसमें काफी ऐसा नहीं है कि ये सब अनशेंट सामान है, काफी यूजफुल चीजें भी डाल रखी हैं, जैसे उन्होंने पूरी फाइल बना रखी है कि आपको इंसब्रुक में क्या क्या करना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, उनकी जितनी भी रिकमेंडेशन है सारी उन्होंने इस फाइल में डाल रखी है कि अगर कोई नया इंसान आया है तो मैप सर्च नहीं कर रहे तो इसमें सब ढूंढ सकते हो। और इसके साथ साथ कुछ बुक्स वगैरह भी हैं इंसब्रुक से रिलेटेड, बाकी तो इधर दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे वाइन ग्लासेस वगैरह भी रख रखे हैं। यह है किचन, किचन में फ्रिज दे रखा है पूरा, और ये कटलरीज, कटलरीज का पूरा सेट दे रखा है, हर चीज है, पूरे सारी प्लेट्स वगैरह सब दे रखा है, कुछ बेसिक मसाले चाहिए होते हैं नमक वगैरह वो सब भी रख रखा है इन्होंने, और ऑयल वगैरह भी डाल रखा है यहाँ पे, यहाँ पे ग्लासेस वगैरह सारे। और यहाँ पे इन्होंने इनकी फेवरेट टीज रखी है शायद से जो मैंने ट्राई भी की है, जैसे ये है मिक्स फ्रूट टी, माइक्रोवेव और ओवन दोनों दे रखा है, और साथ में कॉफ़ी मशीन है, टोस्टर है,
पानी गर्म करना तो उसके लिए भी मशीन दे रखी है, और इसके साथ साथ डिश वॉशर भी है, खुल नहीं रहा है जो कि मुझसे, तो खोलती नहीं हूँ, और क्लीनिंग का भी सारा सप्लाई दे रखा है कि बर्तन वर्तन करना है तो, और जैसे हम अपने उसमें स्टील वुल यूज करते हैं ना, उससे हमारे हाथ गंदे होते हैं। देखो यहाँ पे लोग क्या यूज करते हैं, हाथ गंदे ना हो सिर्फ ऐसे करके धोना हो तुम्हें इसलिए। और इधर है ये छोटा सा डाइनिंग टेबल, क्योंकि ये 1 BHK है तो नॉर्मली कपल के लिए बना हुआ है, तो 2 लोग के लिए सफिशियंट है, बस 2 सीट डाल रखी है। अब मैं लेके जाती हूँ आपको यहाँ के गार्डन में, सेम जैसे आप विंडो खोल सकते हो ना ऊपर नीचे, ये डोर भी खोल सकते हो। लग रहा है ना गिर गया, पर नहीं, ये दोनों साइड से खुल जाता है। तो ये है हमारा गार्डन जहाँ पे मैंने कल बैठ के काम भी किया था, देख सकते हो काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे इन्होंने टेबल डाल रखा है और उसके साथ साथ 5-6 सीट डाल रखी है, जैसे अगर आप यहाँ पे आए हो आपको पार्टी टाइप करनी है तो कर सकते हो। और ये पूरा एरिया कोई फेंस से कवर्ड नहीं है, ये इन्होंने प्लांट्स लगा रखे हैं उसी से कवर्ड है। और इधर एक झूला भी दे रखा है जिसपे आप मस्त झूल सकते हो, अच्छा लग रहा है, मन नहीं कर रहा जाने का, बट अगर ज़्यादा देर बैठी तो बहुत लेट हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये अपार्टमेंट? अगर मैं इसकी रेंट की बात करूँ तो इट्स अराउंड 70 यूरो, जो ऑलमोस्ट 7000 से भी कम है। अगर इंडिया में भी अगर आप कहीं जगह जाते हो जैसे हिमाचल वगैरह, वहाँ पे भी इससे कम फैसिलिटीज़ के होटल आपको मिलेंगे, 5000-8000 समटाइम 10000 ऑल्सो। जैसे हम कश्मीर जाने का सोच रहे थे, तो जब हम रिसर्च कर रहे थे तो हम लोग को अराउंड 15000 के वो मिल रहे थे होटल, जिसमें सिर्फ एक रूम होगा जो कि इतना बड़ा कुछ नहीं होगा, आपको इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होंगी। तो उसके कंपेरिजन में तो ये यूरोप के अपार्टमेंट्स मुझे सस्ते ही लगे। और ये ऐसा भी है कि बिल्कुल कोने में है, ये बिल्कुल सेंट्रल से बहुत पास है, सिर्फ 10 मिनट्स में हम मेन जो इंसब्रुक है वहाँ पहुँच सकते हैं। तो वहीं जाना है एक्चुअली हमें अभी अपने बैग लेके, क्योंकि हमारी ट्रेन है वहाँ से और हम पैदल ही जाएंगे, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर खुद ड्राइव करके नहीं जाएंगे। तो ठीक है, आई थिंक हम लोग को थोड़ा लेट हो रहा है अब, तो चलते हैं फिर हम। ओके बाय।